अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, बांग्लादेश के संसद में घुस गई है भीड़। तो देखिए गुस्साई भीड़ बांग्लादेश के संसद में घुस गई है और यहां पर भी हंगामा किया जा रहा है। पहले पीएम हाउस और अब संसद में ये भीड़ घुस गई है और यहां पर भी जमकर हंगामा हो रहा है। इन लोगों के जरिए इन लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम हाउस में जाए इन्होंने पहले जमकर तोड़फोड़ की, वहां पर लूटपाट मचाई और अब संसद का रुख किया है इन्होंने। तो भीड़ का रुख अब संसद तक पहुंच गया है और यहां संसद पर कब्जा कर लिया है भीड़ ने। तो बांग्लादेश के संसद में भी भीड़ घुस गई है और अपना जो गुस्सा है वो जाहिर करती हुई यहां पर नजर आ रही है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग चुकी हैं, भारत वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये लोग मांग कर रहे थे उनके इस्तीफे की और अब इस्तीफा भी शेख हसीना ने दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं ये हंगामा लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी किस तरीके से तोड़ा वो भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संसद की और किस तरह से यहाँ देखिए ये जो पूरी भीड़ है हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है, लाठी डंडे हाथों में लिए हैं और पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि वहां पर म्यूजियम ये लोग ऐसे देख रहे हैं संसद के अंदर। इस तरीके की तस्वीर ये नजर आ रही है, यहाँ हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे बना हुआ है क्या है और तोड़फोड़ यहाँ पर मचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं सलाम टीवी पर, जहाँ जो भीड़ है वो संसद में घुस चुकी है और यहाँ लोग जहाँ जमकर हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो लोग बना रहे हैं। तो पूरी तरह से हम अगर कहें कि उस संसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ पर संसद में किस तरीके से काम हुआ करता था ये देख रहे हैं यहाँ और जमकर अपना गुस्सा भी यहाँ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर अपने हिसाब से संसद में घुसकर तमाम रवैया ये अख्तियार किया हुआ है। और राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी देखिए अब संसद तक में भीड़ घुस गई है यहाँ और जमकर हंगामा हो रहा है। आज की रात बांग्लादेश के लिए कत्ल की रात होगी और खासकर अल्पसंख्यकों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, बौद्ध धर्मियों को, इनके लिए जान का खतरा होगा। और ये निश्चित मानिए जब अनार्की होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा जो उठाना पड़ती है वो बच्चों को उठाना पड़ती है, लड़कियों को उठाना पड़ती है और महिलाओं को उठाना पड़ती है। ये आतंकवादी, ये गुंडे, ये मवाली, ये क्रिमिनल्स, ये सब जो इस समय लूटपाट में लगे हुए हैं ये सब इन घरों पर छापा हुआ डालेंगे, महिलाओं को उठाकर ले जाएंगे, उनसे दुष्कृत करेंगे। ये सब जगह पुराने इतिहास अगर